गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी कंप्लीटेड दिस ग्लोबल वार्मिंग लेसन, इज अ वेरी लॉन्ग लेसन. सो टुडे वी आर गोइंग टू पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन. एज यू नो, बिफोर दिस on April 20th of 2021, I have delivered a lesson about passage for the comprehension. Today we are going to recap this passage for comprehension again. So dear students, this is a period of time in which people are not allowed to leave their homes or travel freely because of this dangerous virus. We have had weeks and weeks of lockdown with this pandemic. So we are delivering these lessons by our virtual classes. So today we are now start with passage for comprehension. First, I would like to explain this passage for comprehension. What is passage for comprehension? आपको ये बात पहले समझ में आनी चाहिए, फिर ये आप खुद बता सकते हैं कि क्या capacity है हमारे sense में कि जिससे हम इस लेसन को हमने याद रखा है. द वर्ड कॉम्प्रहेंशन मीन्स, इसका ये मतलब है कि मीन्स दैट एबिलिटी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव लिसन और व्हाट यू रेड. तो इस लफ्ज का यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन का मतलब ये होता है कि कितनी काबिलियत है अंडरस्टैंड समझने की व्हाट यू हैव लिसन, जो कुछ आपने सुना इस लेसन में या जो कुछ आपने पढ़ा इस लेसन में. तो कौन सी क्या एबिलिटी है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जो क्या काबिलियत है इस लेसन को समझने की. तो आपने कहाँ तक इसको समझा है, तो कहाँ तक इसको जबकि आपने इस लेसन को पढ़ा है. इट इज इट टेस्ट्स योर वोकैबुलरी, सेंस ऑफ लैंग्वेज, एबिलिटी टू लोकेट मीनिंग. आपको ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैंने सो एंड सो वर्ड्स पढ़े हैं, तो इनकी क्या मीनिंग है. तो आपको ये लोकेट करना है कि सेंस ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी जो है टू लोकेट मीनिंग. तो यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन का ये भी जो कॉम्प्रहेंशन के पैसेजेस होते हैं, पैसेजेस फॉर कॉम्प्रहेंशन और एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज, किसी भी जबान को समझने के लिए कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस बहुत ज़रूरी है. पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको समझने के लिए किसी भी जबान को, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो अरबिक हो, चाहे वो हिंदी हो, तो इसके लिए आपको कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस और एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज, किसी भी जबान को समझने के लिए कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं इसको समझने के लिए, इस लैंग्वेज को समझने के लिए. इट इज़ आर्ट ऑफ रीडिंग, इट इज़ आर्ट ऑफ रीडिंग, इट इज़ आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग व्हाट यू रेड. तो ये एक हुनर है, एक फन है कि आपने पढ़कर क्या समझा है और पढ़कर आपने क्या याद रखा है. व्हाट यू हैव रेड,
It is art of reading. It is art of understanding and remembering what you read. So what you read in any given piece of writing, जो भी आपको दिया गया कोई पैसेज है, कोई पीस ऑफ राइटिंग है, तो वंस यू हैव अंडरस्टूड, एक दफा आपने इसको समझा, द पैसेज यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस द सेम पैसेज इन योर ओन वर्ड्स. एक दफा आपने इसको समझा तो इसको द पैसेज विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस द सेम, तो आप खुद इस बात के काबिल हो जाएंगे कि जो कुछ आपने समझा है इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं, जो द नॉलेज एक्वायर्ड, जो भी आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं एज अ रिजल्ट द कैपेसिटी ऑफ द माइंड टू परसीव एंड अंडरस्टैंड. परसीव का मतलब हो गया टू बिकम अवेयर थिंग्स थ्रू सॉरी टू बिकम अवेयर थ्रू द सेंस, यानी इसको परसीव को हम ये भी कह सकते हैं कि समझना, जानना या हवास के ज़रिए, अपने दिमाग के ज़रिए इल्म हासिल करना, या इसको हम ये भी बता सकते हैं, इसको इदराक भी कह सकते हैं, परसीव एंड अंडरस्टैंड, तो समझना, जानना, इस या इसको हम कहेंगे हवास के ज़रिए, सेंसेस के ज़रिए इल्म हासिल करना या इदराक करना, इसको ये मानी भी हो, इसका ये बहुत ही अच्छा मानी आप समझ गए होंगे. सो द कैपेसिटी ऑफ माइंड, जो आपकी सलाहियत है, जो आपकी बिसात है, जो आपकी वसत है, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन कंटेन इन योर माइंड, द कैपेसिटी ऑफ द माइंड टू परसीव एंड अंडरस्टैंड, कितनी वसत है आपके दिमाग में किसी पीस ऑफ राइटिंग को समझने के लिए. सो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स और सेंटेंस, या ये भी हम कह सकते हैं कंप्रहेंशन को, वो काबिलियत टू अंडरस्टैंड, ताकि समझ सकें वर्ड्स, अल्फाज को और सेंटेंस, किसी जुमले को. डियर स्टूडेंट्स, हियर वी गो. ग्लोबल वार्मिंग is a common term used today, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, especially in print and electronic media. It refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and oceans, and it is related effects. In the last 100 years, the Earth average surface temperature has increased by about 0.8 degrees Celsius, or we can say 1.4 degrees with about 2/3 of the increase occurring over just the last 3 decades. So here we can say one of the major reason cited is the increasing concentration of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of फॉसिल फ्यूल्स. तो हमने यहाँ पर पैसेज ऑफ कंप्रहेंशन को पहले समझा, अब ये जो पैसेज यहाँ पर दिया गया है इसके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा. तो मैं आपकी इस एबिलिटी जो है आपकी जो द कैपेसिटी ऑफ द माइंड
जो है, जो आपकी द कैपेसिटी ऑफ माइंड टू परसीव एंड अंडरस्टैंडिंग जो मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन तीन क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर आंसर देना होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डज ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू, तो इस का आंसर क्या हो सकता है कि व्हाट डज ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू। तो इसका आंसर जो हो सकता है, इसका आंसर जो होगा, इट रेफर्स टू द राइजिंग एवरेज जो टेम्परेचर है, राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थस एटमॉस्फियर एंड ओशन एंड इट इस रिलेटेड इफेक्ट्स। तो ये रेफर करता है यहाँ पर, तो इशारा करता है, इट रेफर्स इशारा करता है टू द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर, जो राइजिंग औसत दर्जा हरारत हमारी ज़मीन का है, उसका जो दर्जा हरारत ऊंचा जा रहा है, तो इसका ऑफ अर्थस एटमॉस्फियर एंड ओशनस, जो ओशनस में जो पानी का बहाव ज़्यादा होता है, इट एंड इट इस रिलेटेड इफेक्ट्स, जो इसके रिलेटेड इफेक्ट्स है, जो इसके असरात है, वो यहाँ पर इसका हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर बनता है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन द अर्थस सरफेस टेम्परेचर इन द लास्ट 100 ईयर्स, कि पिछले 100 सालों से अर्थ का टेम्परेचर क्या है। तो व्हाट इज द इंक्रीज टेम्परेचर, जो यहाँ पर गर्मी की तमाजात, जो दर्जा हरारत हमारा इस अर्थ का बढ़ रहा है, तो वो क्या है। तो इसका आंसर भी आपको इसी पैसेज में मिल सकता है। तो इसका आंसर जो है वो है, इन द लास्ट 100 ईयर्स द अर्थस एवरेज टेम्परेचर, जो अर्थ का औसत दर्जा हरारत है, सरफेस टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड, वो आपने वो आप इसमें भी देख सकते हैं, इस लेसन में भी ये आंसर इसी में निकलते हैं कि 0.8 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से 1.4 डिग्री फारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर है। तो यहाँ पर जो एक और क्वेश्चन है, तो वो बनता है कि गिव वन मेजर रीज़न, एक बड़ा वजह बताओ फॉर ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, जो हमारी कुरे अर्ज़ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा वजह, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है। वन ऑफ द मेजर रीज़न जो है, तो वो हो सकता है वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज दैट इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ग्रीन हाउस से फॉरन फॉसिल फ्यूल्स जो होता है, बर्निंग ऑफ और जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो इसकी वजह से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझा होगा कि पैसेज फॉर कंप्रहेंशन क्या होता है। जो कुछ आपने लेसन में पढ़ा है, तो उसकी जो आपको देखनी है फिर कैपेबिलिटी या कैपेसिटी जो आपके सेंस में है, वो क्या, वो जो कैपेसिटी ऑफ सेंस, सॉरी द कैपेसिटी ऑफ द माइंड टू परसीव एंड अंडरस्टैंड विच नॉलेज यू एक्वायर्ड इन दिस लेसन। होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपसे यहाँ पर ही इजाज़त चाहूँगा।
कल हम फिर इस में देखेंगे कि पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशंस क्या होते हैं। तो तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।